For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. थिएटर के वजह से ही बनाऊँ जो बनाऊँ तो मैं थिएटर जब बैठ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बैठ के क्यों देख रहा हूँ. आई नीड टू बी ऑन स्टेज डूइंग इट. सो लाइक आई सेड कि द थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस. वी आर डूइंग सम फैंटास्टिक म्यूजिकल्स ऑन अ वेरी बिग स्केल. सो पर्सनली ऑल्सो आई वुड लव टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक दिस. नहीं यार अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ कोई करना चाहेगा तो आई एम ऑलवेज गेम टू डू समथिंग लाइक दिस. या थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Yes. What am I expecting? ये question हमेशा पूछा जाता है और expectations हमेशा high होती हैं because first of all it's उमराव जान. तो please I think हम सब ने उमराव जान देखी और हम सबके दिलो दिमाग में उमराव जान, मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में तो रेखा जी बैठी हुई है. एंड इट्स अ म्यूजिकल सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड थिएटर आजकल काफ़ी इनलार्ज हो गया है. द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ हैज बिकम वेरी बिग. सो इट्स गुड टू नो दैट. अच्छा ओके, काम डाउन, काम डाउन. चलो कम ऑन, आई आंसर एवरी वन. चलो सॉरी, ऑफकोर्स द डीवा, द लेजेंड रेखा जी, तो वही आती हैं सबसे पहले जहन में जी. एथनिक बोला गया था सो यस. अभी मेरे हिसाब से एथनिक इज इधर सारी एंड आई लाइक वेरी सारी जो सब सबको पता है. बट यार ये हम बहुत ही छोटी उम्र से 1981 की फिल्म रिलीज है उमराव जान और बहुत ही इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, आज तक इसका संगीत बहुत ज़्यादा मशहूर है. और हम जब हमारे बचपन में हम जब सुनते थे गाने तो यही हमारी एक इंडियन म्यूज़िक के लिए यही शुरुआत थी हमारे. और दोनों मैं और सुलेमान हम लोग जब शास्त्रीय संगीत सीख रहे थे तो ये अपने आप में एक पॉपुलर फॉर्म हो गया था इंडियन म्यूज़िक का, क्योंकि ज़ाहिर फिल्म में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था. और तब से मेरी तमन्ना थी कि कुछ हम करेंगे इसके साथ. और जब म्यूज़िकल्स हमें लगा कि म्यूज़िकल्स हमारे हमारे देश में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे, तो हमने ये सोचा कि शायद उमराव जान का म्यूज़िक और उसका म्यूज़िकल थिएट्रिकल प्रोडक्शन एक अच्छा वेंचर रहेगा. तो हमने कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा. देखिए म्यूज़िकल का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी नया है और बहुत कम ऐसे थिएटर के प्रोडक्शंस हुए हैं जिसमें म्यूज़िकल प्ले बनता है. तो हम हमेशा ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा म्यूज़िकल आए जो सब सुन सके, देख सके. एक आप थिएटर के अंदर घुसो तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ एक मुगल पीरियड के अंदर जाके, ऐसे लगे आपको कि ये मुगल पीरियड में हम गए और देखा कुछ. तो बस आशा यही है कि अच्छे से जाए शो और सब लोग एंजॉय कर सकते. म्यूज़िक जब नाम म्यूज़िकल होता है तो म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. और हमने कोशिश यही की कि इस उमराव जान का जो म्यूज़िक है जो 19th सेंचुरी में अर्ली 19th सेंचुरी में बेस्ड था, ये एक एक्चुअली बुक उमराव जान का. और हमने कोशिश यही की कि हम किताब जो बुक थी जो नॉवल थी उसको हम रिप्रेजेंट करें और इसका जो म्यूज़िक है वो फिल्म से हमें. तो फिल्म का म्यूज़िक इतना मशहूर हुआ, हमें
पहली बार तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम म्यूजिक वही रखेंगे जो फिल्म का है, ना कि हम कोशिश करेंगे कुछ अलग, क्योंकि इस गाने, इस फिल्म की पहचान, इस कहानी की पहचान, इसकी स्टोरी की पहचान इसके म्यूजिक से ही हुई है। सयाम साहब का म्यूजिक है और शारियार के लिरिक्स हैं। तो हमने इस म्यूजिक को, जो उमराव जान का म्यूजिक है, उसको रीऑर्केस्ट्रेट किया है, लेकिन उतना ही ऑथेंटिक रखा है, उतनी ही चीज़ें उसमें रखी है जो ओरिजिनली है। इसमें कुछ बदलाव नहीं लाया है, कुछ कुछ चीज़ें हमने अलग की है म्यूजिकल के तौर पर, बट मोस्टली हमने सेम ही रखा। रेखा जी, आशा जी, खयाम साहब, शारियार, फारूक शेख जी, पूरी फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे पता है ये फिल्म वापस भी बनी थी आशुतोष राय बच्चन जी के साथ, जेपी दत्ता जी ने बनाई थी, लेकिन समाओ जो ओरिजिनल उमराव जान था वो ओरिजिनल। आप म्यूजिकल है तो म्यूजिक, जैसे उमराव जान की स्टोरी तो सबको पता है, तो उमराव जान की स्टोरी हम रिप्रेजेंट करेंगे थिएटर में। 90 to 100 मिनट्स का प्ले है विथ वन इंटरवल, और आशा हमारी यही रहती है कि हम आपको ले जाएं मुगल थिएटर के अंदर, जब ये डांसेस होते थे और वो जब ये पूरा हीरा था, तो वहाँ पे हम आपको ले जाएं और एक उस समय का दृश्य देखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी नॉवल है, और उमराव जान का जो कैरेक्टर है वो हमने फिल्मों में भी देखा है, जिस तरीके से खयाम साहब का म्यूजिक था और जिस तरह से रेखा जी ने उसको परफॉर्म किया था, और मुजफ्फर साहब की फिल्म थी, सलीम सुलेमान का म्यूजिक है इस पूरे ओपेरा में। ये हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स और म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं, और जिस बखूबी से इन्होंने ये पूरा ओपेरा को म्यूजिक दिया है, और जिस किस्म से इसके डायरेक्टर्स डायरेक्टर राजीव गोस्वामी ने जो काम किया हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, इंटरेस्टिंग ओपेरा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता, हमारी ऑडियंस जो थिएटर लवर्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आइए और इस ओपेरा को सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, ताकि थिएटर की दुनिया में ऐसे ओपेरा जैसे शोज बहुत कम होते हैं। बहुत मेहनत की है कलाकारों ने, भीड़ है कलाकारों की, पूरा भरा हुआ स्टेज है, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, और एक्टर्स खुद गाने गा रहे हैं। इसमें कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं है, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, म्यूजिक ट्रैक ही रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं वो खुद गा रहे हैं गाना, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ है, और विशिंग सलीम सुलेमान एंटायर टीम ऑल द सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, एंड आई एम श्योर दैट दिस शो विल डू अ ग्रेट जॉब। अश्का, सबसे पहले कि जब थिएटर की बात करते हैं इंडिया में, तो इस लेवल का प्रोडक्शन, इस साइज का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। एंड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कनिका आज एक बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, और हम उसे यू नो चीयर करने आए हैं, शो को देखने आए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बीइंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ये उमराव जान तो क्लासिक है, और उसे लाइव देख पाना स्टेज पर, उस स्टोरी को और इतना खूबसूरती से जिस तरह से इन्होंने बनाया है, और जो प्रोडक्शन वैल्यू है ऑब्वियसली, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसे आशीष ने कहा, कनिका बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, सीनियर के टीचर फॉर हर आल्सो, एंड वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट, एंड बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू सलीम एंड सुलेमान। थैंक यू, थैंक यू। अरे छोड़ यार, बहुत खुश हूँ। 23 तारीख को जलसा होगा, हम सब सेलिब्रेट करेंगे साथ में, मोदी जी फिर अपनी सरकार बनाएंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत हुई है, और मुझे लगता है कि देश को इस वक्त नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और देश ने उन्हीं को चुना है एग्जिट पोल के अनुसार, और मुझे इस बात का यकीन है कि एग्जिट पोल से ज़्यादा सीटें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को 23 तारीख को मिलने वाली है। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर 23rd टू सेलिब्रेट द कमबैक ऑफ आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू। Hi, so, 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 so
पहली बात तो ये कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है सलीम सुलेमान का, जो कि मेरे बहुत नज़दीक हैं, और उनके साथ बड़ा पाए देर में मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियंस, उनकी सोच बहुत अच्छी है, और उमराव जान तो एक ऐसी संगीत की पेशकश है जिससे हम बड़े हुए, जिसको सुन के हमने रियाज किया, तो आज ये लोग उसको क्या करने वाले हैं ये देखिए। एक तो जो लाइव एलिमेंट है वो दिमाग में आता है कि सब लाइव होने वाला है, तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि आज इन गानों को, या ये नए गाने हैं या पुराने गाने हैं, एक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो गा रहे हैं या लिपसिंग कर रहे हैं, या कपड़े कैसे हैं, सेट्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, डायलॉग्स कैसे हैं, ये सब देखना चाहूँगा। नहीं मैं थिएटर नहीं किया कभी, क्योंकि मैं स्टेज शोज करता हूँ तो वो भी थिएटर ही हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग फायर वर्क्स ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि ये एक ऐसा शो है, एक तो मेरे खास दोस्त सलीम सुलेमान का है, ओके, एंड मेरा दोस्त चिंतन जो है बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर, एंड दिस इज आई थिंक ये एक आई थिंक इमराव जान इटसेल्फ नाम ही काफ़ी है फॉर आई एम होपिंग रेखा जी यहाँ पर आँखों की मस्ती मेरी वाइफ का बहुत फेवरेट गाना है, ठीक है, लव दिस सॉन्ग, उसका एक्चुअली रिंगटोन ये है इन आँखों की मस्ती। सो ओहो आ जा, तू भी आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। सो ये पूरा झुंड है हमारा यहाँ पर जो है, ये चिंतन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर है, ये सृष्टि रोड से, ये लिली हमारी, मतलब पूरा घर और परिवार यहाँ पर आया हुआ है। सो दिस मैन हैज वर्क्ड रियली हार्ड ऑन दिस शो, उमराव जान अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर ऑन स्टेज राइट नाउ, ऑफ कोर्स यू नो, लाइक मेरे सामने तो या या राइट 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 जी। So yes, again, any more questions that... Okay, Shushni can take over right now. Sorry. Play, main actually pehli baar play dekhne aayi hu. Arre yaar, tu nikal ja yahan se, tu nikal ja. Ye dhabba hai, acting ke naam pe dhabba hai ladki, sach mein. Pehli baar play dekhne aayi hai. Hum hamari zindagi play kar kar ke kaati hai aur ye pehli baar dekhne aayi hai. Wow. Haan to see na, mera start hi na. Okay, we can do the... Okay, thank you so much. Thank you. Wishing everybody all the best. Salim Subhan, wish you all the best, man. Love yes, you. Yes, all the best. We and the entire team of Rao Jan. Bahut excited hu. Bahut arse baad ek play dekhne aayi hu. Khud theater background se hu, isliye aisi cheeze support karne mein bahut acha lagta hai. Aur live play hai, live music hai, to uska alag maza hoga. I'm looking forward to it. गाने सुने हैं, हम सब ने फिल्म देखी है, हम सब ने वो अदाकारी जो थी उसे सराहा है। पहली बार हमने अलग अलग तरह के म्यूजिकल प्ले देखे हैं, पर ये पहली बार हो रहा है कि उमराव जान स्टेज पे आ रही है, और बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सेटअप, इतने बड़े एक्टर्स, इतने सारे लोगों को लाइव प्रेजेंट करना, लाइव म्यूजिक के साथ प्रेजेंट करना, लाइव सिंगिंग के साथ प्रेजेंट करना बहुत ही टफ जॉब है, और देखना है कि कैसा है, एंड आई एम लुकिंग वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग म्यूजिकल देख रहे हैं, इस तरह का म्यूजिकल देखना हमेशा स्पेशली रहेगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट वी आर सीइंग अ म्यूजिकल इन मुंबई एंड समथिंग ऑफ दिस स्टैचर एंड स्केल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, काफ़ी एक्साइटेड। रेखा जी आती है जहन में हमारे ख्याल में, क्योंकि अगर उमराव जान की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है रेखा जी, और बट लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस।
नमस्कार जी, बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं, बहुत सारे कैमरास हैं, हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो ये उमराव जान एक क्लासिक है और सब जानते हैं उमराव जान की अपनी जगह है और उमराव जान रेखा जी के साथ एक इवेंट जुड़ी हुई है और जब मैंने उनके साथ फूल भरी मां में काम किया था तो हर बार मैं रेखा जी को देखता था, मुझे उमराव जान की याद आती थी। जी शेयर करने की जगह नहीं है, ये शो है, मेरे दोस्तों ने शो प्रोड्यूस किया है, कई अच्छे टैलेंट्स हैं, उम्मीद है कि अच्छा शो होगा, उम्मीद है कि अच्छा म्यूजिक सुनाई देगा, अच्छे कॉस्ट्यूम सुनाई देंगे और थिएटर से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ, दस दस साल एक कमाल का प्ले करता हूँ। तो जब भी मैं ऐसे शो में आता हूँ मुझे लगता है कि मैं एक आशा लेके आता हूँ और ये आशा लेके आता हूँ कि जब ऐसे शोज या प्लेस देखूँ मुझमें एक नई इंस्पिरेशन आ जाती है, मैं फिर से करूँ। थैंक यू वेरी मच। बैकग्राउंड सलीम सुलेमान ने किया था, उन दिनों में सलीम सुलेमान बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे, दे वेरी वेरी पॉपुलर, सो आई एम प्योरली टू सपोर्ट देम, यू विल गो एंड सी, आई हैव रियली बीन विटनेस लाइक अ नाइस बिग म्यूजिक, सो फॉर मी इट्स द फर्स्ट वन, आई एम ग्लैड इट्स सलीम सुलेमान। सबसे पहले आता है कि म्यूजिक बड़ा माइंड ब्लोइंग है और सेट बड़ा माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त होंगे तो वो सब सुन के बस यही चीज आती है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ, ये म्यूजिकल है सो दैट्स व्हाई इट्स इवन मोर एक्साइटिंग, क्योंकि इट्स वेरी स्पेशल जब आप स्टेज पे सिंगिंग सुनते हैं, लाइव सिंगिंग, इट्स ऑलवेज ऑलवेज वेरी बहुत गूज़बम्प्स देता है वो, यू नो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रेखा उमराव जान इज रेखा, बट आई होप दैट चेंजेस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूजिकल्स, प्लेज, थिएटर, यू नो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एंड जो कल्चर है ये इंडिया में हमेशा से रहा है, बट फिल्मों की पॉपुलैरिटी की वजह से थोड़ा कम हो गया है लोगों का। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं थिएटर में, बट आई फील दैट यू नो मे बी दिस शुड बी रेगुलर थिंग, यू नो, वी शुड बी एबल टू वॉच थिएटर एंड प्ले जस्ट लाइक दिस, वॉक इन एंड गो वॉच अ म्यूजिकल। सो आई होप दैट ये ट्रेंड और ये कल्चर वापस आए एंड इट स्टेज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.